नमस्कार दोस्तों ये वीडियो एस एस सी का एग्ज़ाम में आए हुए ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर के जनरल अवेयरनेस के सेक्शन को कवर करने के लिए बनाया जा रहा है तो जनरल अवेयरनेस के टोटल पच्चीस सवाल हम इस वीडियो में इस वीडियो की श्रृंखला में डिस्कस कर रहे हैं तो आइए समझते हैं उन पच्चीस सवालों को जो कि एस एस सी में पूछे गए थे पहला है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका इज़ द ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड तो इसका आंसर है कोडागू नेक्स्ट विच ऑफ़ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स मीन्स मैरी मेकिंग द गॉड्स इसका आंसर है लाई हरोबा मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जो मैरी मेकिंग ऑफ़ द गॉड्स के नाम से जाना जाता है तो इसका ये एक रिचुअल सेरेमोनियल फेस्टिवल है जो कि मिट्टी कम्युनिटी एक होती है उसके द्वारा ये मनाया जाता है पुराने समय से और ये इसलिए मनाया जाता है टू प्लीज द उमंग लाई द ट्रेडिशनल डिटीज़ ऑफ साना माहब उनको प्लीज करने के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है और ये ओरल लिटरेचर म्यूजिक, डांस और रिचुअल्स के द्वारा इसे सेलिब्रेट किया जाता है और रिमेनिंग फेस्टिवल तो आप जान ही रहे होंगे नेक्स्ट है इन विच ईयर वॉज द फाउंडेशन स्टोन फॉर द गेट वे ऑफ इंडिया लेड इन बॉम्बे नो मुंबई इसका आंसर है नाइनटीन हंड्रेड एंड थर्टीन next time what is the india's position in the brand finance nation ranking of 2019 answer seventh so india is the world's seventh most valuable nation brand india has held on to its position as the world's seventh most valuable national brand following a 21% brand value decrease us dollar 2.1 2.0 trillion तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी और व्हाट वाज़ द इंडिया पोजीशन तो ये सेवन्थ पोजीशन है और अगर हम बात करें कि इसमें टॉप पे कौन है टॉप पोजीशन पे अगर हम बात करें फ़र्स्ट पे हम बात करें तो फर्स्ट हमें ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है आप इंडिया का ध्यान रखें ये एक नॉर्मल सी नेशनल रैंकिंग है ब्रांड फाइनेंस नेशन की ब्रांड फाइनेंस नेशन तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी इसके इस लिस्ट इसकी एक लिस्ट होती है मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ कि कुछ ब्रांड वैल्यू जो सबसे टॉप पे इस वक्त चल रहे हैं तो सबसे फर्स्ट पे एप्पल दूसरे पे अमेजन तीसरे पे गूगल चौथे पे माइक्रोसॉफ्ट पाँचवें पे सैमसंग छठे पे वॉलमार्ट सातवें पे फेसबुक सातवें पे आई आठवें पे वेरीजन नौवें पे वी चैट दसवें पे चाइना कंस्ट्रक्शंस बैंक और लास्ट ऑफिस ट्वेटा देन मर्सिडीज़ बेंस तो ये कुछ डेटा हैं आप इससे क्रम नोट कर लें कुछ भी पूछ सकते हैं तो इसे आप ध्यान में रखिएगा नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ विनेगर एसिटिक एसिड नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वॉटी ब्रिट ब्रेड की बात की जाए वर्टी ब्रेड तो इसका आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वॉटी ब्रेड इसका आंसर है स्नेल ये आपका बायो से रिलेटेड सवाल है समझ ही गए होंगे बायो से रिलेटेड भी काफ़ी ज़्यादा वेटेज इसमें दिया जाता है खासकर साइंस में साइंस में बायो का ही ज़्यादा वेटेज रहता है तो वर्टिब्रेड की बात करें तो ये ऑल स्पीसीज ऑफ़ एनिमल विद इन द सब फाइलम वाटीब्रेट इंक्लूडिंग इसमें मैमल्स भी आते हैं बर्ड्स भी आते हैं रिप्टाइल्स भी आते हैं एम्फीबियंस भी आते हैं और फिश भी आते हैं तो ये हमें अगर मैं आपको बताऊं कि पाँच एग्जाम्पल वाटीब्रेड का दूँ तो पांच एग्जांपल में आएगा फ़िशेस एम्फीबियंस रेप्टाइल्स बर्ड्स एंड मैमल्स तो ये तीनों हैं आपके ऑप्शन में दिख रहे हैं फिश मेमर्स बर्ड्स स्नेल नहीं होता स्नेल को ऑप्शन में मार्क किया जाएगा हु एमंग द फॉलोइंग वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द नंदा डायनेस्टी नंदा डायनेस्टी का लास्ट रूलर था हमारे धनंदा अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी तो फर्स्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी थे हमारे महापद्मनंदा नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द माधवपुर मेला सेलिब्रेटेड सो इट इज सेलिब्रेटेड इन गुजरात नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट्स दैट शाइन इन द नाइट स्काई आर नोन एज सेलेस्टियल बॉडीज नेक्स्ट है हु एमंग द फॉलोइंग फॉलोइंगज ऑनर्ड विद द फिफ्टी दादा साहेब फाल्के अवार्ड इसका आंसर है अमिताभ बच्चन नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड्स इज प्रेजेंट बिटवीन द लंग्स थाइमस इन जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी द होम मिनिस्टर शाह रिलीज द बुक कर्म योद्धा ग्रंथ दिस बुक इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ नरेंद्र मोदी आर्क्योलॉजिस्ट आर नंगा स्वामी वॉज ऑनर्ड एट द सिल्वर जुबली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ आर्ट बाई विच कंट्री स्नोनिस बांग्लादेश नेक्स्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज द नाइंटी फिफ्थ एडिशन ऑफ द प्रिस्टिजियस हेस्टिंग्स इंटरनेशनल चेस कांग्रेस हेल्ड इसका आंसर है इंग्लैंड नेक्स्ट है वेन वी कट एन ओनियन द सेंथेस एजाइम कन्वर्ट अमीनो एसिड ऑक्साइड्स ऑफ द ओनियन इंटू विच एसिड्स उसका आंसर है सल्फेनिक एसिड नेक्स्ट है विच स्टेट्स लेजिस्लेटिव असम्बली अडोप्टेड न्यू लोगो कंसिस्टिंग ऑफ द नेशनल एंड फॉक्सटेल ऑर्चिज जिसका नाम है राइनो सॉस्टेलियस रेट्यूसा द स्टेट फ्लावर इन जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश विंग्स इंडिया टू थाउजेंड ट्वेंटी इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट इसका आंसर है बैगुम एयरपोर्ट नेक्स्ट है इन विच स्टेट वॉज द ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट Accent 2020 organized Kerala. Next, Bora Caves are situated on the east coast of India in which of the following hills? So it is situated in Anthagari Hills. Next, which of the following was pre previously known as the Lady Willingdon Park? Lodhi Garden. Next, Industrial 4.0 is a complex cyber physical system with synergies, productions, with digital technologies, the Ministry of Railways and the Department of Science and Technologies have joined hands in partnership with which institutions for taking up a unique project on industry for Pando, Skansare, IIT Kanpur. Who among the first Indian equestrian to qualify for the Tokyo Olympics 2020, Skansare, Fawad Mirza. नेक्स्ट है विच लॉ ऑफ फिजिक्स स्टेट्स दैट द फोर्स बिटवीन द टू इलेक्ट्रिक चार्जेस रिड्यूसेस टू अ क्वार्टर ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू विद द डिस्टेंस बिटवीन इज डबल्ड इसका आंसर है कूलम्स लॉ नेक्स्ट इन विच स्टेट्स हैज़ द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के वी आई सी ओपन द फर्स्ट सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट इसका आंसर है गुजरात नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन अजाज थ्रू रूलर ऑफ हरियाणा डायनेस्टी वॉज द सन ऑफ बिम्बिसारा तो इसका आंसर है बिम्बिसारा ये थे हमारे पच्चीस सवाल जी के एस एस सी के ऑफिशियल पेपर से उम्मीद करता तो हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देना चैनल पर नहीं उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और किसी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आंसर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना मैंने एस एस ए से रिलेटेड एक प्ले बना दी है जिसमें मैंने पच्चीस सवाल जी के सब वीडियोज़ में डिस्कस किए हैं आप उसे ज़रूर देखें और अच्छे से पढ़ाई करें धन्यवाद